पाकिस्तान सुपर लीग 2024 लाहौर कलंदर को सेकंड कंसेक्यूटिव हार मिल गई। मतलब दो बार जो लगातार टूर्नामेंट जीत चुकी है पिछले, वो दो हारों के साथ 2024 का आगाज कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम दे आर लुकिंग वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जब से सरफराज अहमद से कप्तानी ले ली गई है, ऐसे लग रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को खेलने का ढंग आ गया एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में बात करते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स have beaten for the first time Lahore Qalandars in Lahore। Bismillahirrahmanirrahim। Assalamu alaikum। मैं हूं मोहम्मद यासिरली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो व्यूअर्स, बातचीत का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। What a fantastic knock we have seen today by Khwaja Nafe। मतलब youngsters have born in international cricket। आज एक youngster born हो गया और इस youngster की जो सबसे बड़ी खूबी जिसने आज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया उसकी भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मगर पहले बात करेंगे लाहौर कलंदर। व्हाट हैज हैपेंड टू लाहौर कलंदर। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि विदाउट राशिद खान लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग अटैक है वो तो ऐसे लग रहा है कि दे आर विदाउट देयर स्पाइनल कोड। मतलब रीढ़ की हड्डी के बिना जैसे इंसान होता है, इसी तरीके से विदाउट राशिद खान लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले मैच में भी इतने ज्यादा रन ऑन द बोर्ड लगाकर आप मैच हार गए 194 रन बोर्ड पर लगा के, और आज भी आपने 187 रन बोर्ड पर लगाए और उसके बाद भी मैच हार गए। कहां गए हारिस रऊफ साहब, कहां गई शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी, कहां गए वो डेप्थ में जमान खान की गेंदबाजी। मतलब वही वाली बात के राशिद खान एक नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे लाहौर कलंदर को पता नहीं क्या हो गया, इनकी रूह निकाल ली गई है। ऑल्दो आज जब लाहौर कलंदर ने बैटिंग की तो बिल्कुल लाइक लास्ट मैच कमाल की बैटिंग की। पिछले मैच में भी लाहौर कलंदर ने अच्छी बैटिंग की थी और आज लाहौर कलंदर की तरफ से जो बैटिंग की है, मतलब जिस तरीके से जहादात खान ने मतलब कमाल की बैटिंग की है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। आप इससे अंदाजा लगा लें कि लाहौर कलंदर का पहले 10 ओवरों में कितना स्कोर था, 60 something 64 for 1 I think या 2 लाहौर कलंदर ने पहले 10 ओवर में बनाया, और उसके बाद अगर आप 187 बना दो और अगले 10 ओवर में 122 रन बना दो तो बहुत बड़ी बात है। 122-123 रन अगर आप आखिरी 10 में बना दो तो कर्टेसी ऑफ जहादात खान ही आप ये करने में कामयाब हुए थे। लेकिन जब टारगेट दिया गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एंड व्हेन दे केम आउट टू द बैट, मतलब कमाल की बैटिंग आज जेसन रॉय की तरफ से भी हमें देखने को मिल रही थी। ऑल्दो ज्यादा लंबा नहीं कर सके अपनी इनिंग को, लेकिन यार क्या ओपनिंग मिली है। मतलब मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी हीरे की पहचान जो है जौहरी करता है, और मैंने पहले भी कहा था कि सऊद शकील को जो है ना हीरे की एक ऐसा हीरा है जिसकी पहचान जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कर ली है। सऊद और एक आज फिर से जेसन रॉय ओपन कर रहे थे और क्या ओपन किया। और मजे की बात आप लोगों को एक और बता दूं कि आज कॉमेंटेटर्स भी बता रहे थे कि पिछले सीजन में 2023 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर जो रन बनाए थे एज अ ओपनिंग पार्टनरशिप वो थे 194, और इस सीजन के दो मैचेस में उससे ज्यादा बना चुके हैं। पिछले मैच में भी 150 की ओपनिंग पार्टनरशिप और आज भी 50 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप। तो वेल डन, मतलब किस्मत कैसे बदलती है किसी की। और ये भी आप लोगों को यहां पे बताता चलूं वीडियो में आगे बात करने से पहले कि क्वेटा ग्लैडिएटर ने लाहौर कलंदर को जो आज मैच हराया इन लाहौर, ये क्वेटा की पहली जीत थी, फर्स्ट एवर विक्ट्री इन लाहौर। पिछले चार मैचेस जो दोनों टीमों के दरमियान हुए कजाफी स्टेडियम में, वो चारों के चारों मैचेस जो है वो मेरी टीम लाहौर कलंदर ने जीते थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर को शिकस्त हुई है। और अब बात कर लेते हैं यार ख्वाजा नाफे, व्हाट अ टैलेंट वी हैव फाउंड टुडे। यार क्या टैलेंट मिला है, 22 साल का ये लड़का और ऐसे जवां मर्दी के साथ खेला, मतलब मजा आ गया। लगा नहीं कि इनकी उम्र 22 साल है, विद द मैच्योरिटी ही प्लेड टुडे, लगा बिल्कुल भी नहीं कि यार कोई 22 साल का लड़का खेल रहा है। और जो मैंने आपको वीडियो के आगाज में भी कहा कि इस बंदे की जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी, टैलेंटेड है नो डाउट अबाउट इट, छक्के चौके मारता है नो डाउट अबाउट इट, बट द टेम्परामेंट ऑफ हिज, मतलब आप ये चेक करें कि 22 साल की उम्र में ख्वाजा नाफे को ये पता था कि भाई मैंने 50 बना लिया बट जॉब हैजंट डन येट, मुझे विनिंग शॉट खेलकर जाना है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के अंदर ये अक्ल नहीं होती समटाइम के, वो रन तो बनाते हैं लेकिन विनिंग शॉट खेलकर नहीं जाते और अपनी टीम को मझदार में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद ये जो नाफे है ख्वाजा नाफे, इनको ये पता था कि भाई मैंने रन तो बना लिए 50 तो बना लिया लेकिन अब मुझे नॉट आउट जाना है, और वो उन्होंने किया, नॉट आउट गया। इनफैक्ट जो आखिरी रन थे जब 4 रन रहते थे तो चौका मारकर अपनी टीम को मैच जिताया। वेल डन यार, मतलब बहुत अच्छा टैलेंट मिला है पाकिस्तान को। अल्लाह करे कि ये आगे चलकर फ्यूचर में पाकिस्तान का फ्यूचर बने, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर बने, जहादात खान और उसके साथ साथ ख्वाजा नाफे।
आज के दिन की दो बड़ी हाईलाइट जो है वो मेरे लिए ये दोनों रही है। अकील हुसैन जो कि वेस्टइंडीज से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की कोयटा की तरफ से। अबरार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन एक ओवर में जो उनको जादाद खान ने कूटा तो उनकी बॉलिंग फिगर्स को थोड़ा सा खराब कर दिया। लेकिन ओवरऑल मैं ये वाली बात कहूंगा कि यार लाहौर कलंदर नीड टू वरी लॉट अबाउट देयर बॉलिंग अटैक और अपनी फील्डिंग। मतलब इतनी घटिया, जब आप इतनी खराब फील्डिंग करेंगे ना, इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, जब आप इतनी खराब फील्डिंग करेंगे ना तो आप राशिद खान छोड़े आप मुथैया मुरलीधरन को भी अपनी टीम में आएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीतेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट टेकिंग योर कैचेस, यू आर नॉट टेकिंग योर अपॉर्चुनिटीज, आप मैच नहीं जीत सकते, सिंपल इज दैट। और लाहौर कलंदर जो है पिछले मैच में भी उनकी फील्डिंग देख ले, इस मैच में भी देखें, जमान खान ने कैच छोड़ा, फकर जमान चले वो कैच थोड़ा मुश्किल था, उसके अलावा मिस फील्डिंग, शाहीन शाह अफरीदी बिला वजह की थ्रोज मार रहे हैं और रन दे रहे हैं, मतलब 22 के ओवर थ्रोज के रन दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा जो है ना अजीब था। और आज एक कैच तो वैसे साहिबजादा फरहान ने भी छोड़ दिया था सरफराज अहमद का पहली बॉल पर ही हारिस रौफ की गेंद पर। तो ओवरऑल जो है लाहौर कलंदर इज स्ट्रगलिंग, उनकी बॉलिंग भी और उनकी फील्डिंग भी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।